पंजाब दे विच लुट्टां खोहां ते कतल दीआं वारदातां रुकण दा नाम ही नहीं लै रहीआं ते इस नूं लै के लगातार लोकां दे विच इक डर दा माहौल बणिआ होइआ है। तो इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दिखाउण जा रहे हां खरड़ दे सनी इनकलेव दे नज़दीक पैण वाले गोपाल स्वीट दे कोल एक नाले दा कम चल रहा है तो उस नाले दे विच किसी राहगीर वल्लों किसी अणपछाते व्यक्ति की लाश देखी जाती है तो मौके ते होर लोग पहुँचते हैं तो लोग देख के डर जाते हैं लोगों के सनसनी फैल जाती है। तो उन्होंने राहगीरों वालों जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन की जानकारी दी जाती है तो मौके पर पुलिस दीआं टीमां पहुँचदियां ने। पहला पुलिस वालों मशक्कत के नाल उस नाले दे विचों लाश नूं कढ़न की कोशिश की जाती है फिर होर मशक्कत करनी पैंदी है जिसनूं लैके कि मौके पर एक मशीन का भी सहारा जिहड़ा पुलिस नूं लेना पैंदा है। तो तस्वीरां तुहानूं सीधियां दिखा रहे हैं कि किवें इस नाले के नज़दीक बिल्कुल एक वड्डा रोड जिहड़ा जा रहा जिथे कि रोजाना ट्रैफिक रहिंदी है तो इस दे बिल्कुल नज़दीक एक वड्डी मार्केट जो कि गोपाल स्वीट्स है KFC है तो उसके बिल्कुल बैक साइड होर रेस्टोरेंट ने जिथे कि रोजाना लोग आते हैं तो इतने इदा दारदात होनिया तो कितने कितने लोगों के डर का माहौल बनाया जा रहा सवारियां निशान खड़े जोड़े प्रशासन से हो रहे हैं कि किमें बिल्कुल शरेआम जोड़े इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके इदा दारदात होनिया तो लोग अपने घर निकल ना हो महबूस नहीं समझ रहे तो इसको लैके पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे SHO जीतपाल सिंह नाल जो इस पूरे मामले की असी स्पष्टीकरण बारे या फिर ये व्यक्ति है कौन है तो इस बारे गलबात करनी चाहिए। असी बार बार SHO जीतपाल नूं फोन किया तो उन्होंने फोन कितना ना कितने बिजी जिहड़ा आंदा रहा तो उस तो बाद साड़ी उन्हां नाल गलबात नहीं हो पाई तो लगता कितना ना कितने पुलिस भी जिहड़ी तफ्तीश दे विच जुड़ी हुई है तो आने वाले दिनों दे विच पुलिस लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अणपछाते व्यक्ति की लाश का जिहड़ा खुलासा करेगी।